कुचामन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड कुचामन सिटी जिला नागौर की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 7 अक्टूबर को कृषि मंडी परिसर में किया गया। इस दौरान वर्ष 2019-2022 के तहत बजट को लेकर सभी सदस्यों ने अपने प्रस्ताव यहाँ पर सहमति से पेश किए। साथ ही इस दौरान बैठक में जो भी ऋणी काश्तकार है, जो सक्रिय काश्तकार है, उन्होंने बैठक में जरा निश्चय लिया। कुचामन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के इस बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने कई नई प्रस्तावों पर भी अपनी सहमति प्रदान की। किल्लत आ रही है ना, तो कई जगह गाड़ी आ रही है, एक एक कट्टा दे रहे, दो दो कट्टा दे रहे, तो वहां पर प्राइवेट पर तो मारामारी होती है, यहाँ पर भी मारामारी चलती है। तो माननीय सदस्य जो भी होंगे, तो इस प्रकार का हम जब बिजनेस शुरू करेंगे तो स्टॉक इसीलिए गोदाम बढ़वाएंगे कि अपना स्टॉक पूरा रहे। और इसमें मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इफ्को और क्रिप्को का सहयोग हमारे साथ में है, तो उन दोनों का सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी हमें। आज की साधारण सभा के अंदर विशेषकर खाद बीज का मुद्दा छाया रहा है, तो हमने इस संबंध के अंदर हमारे जो सेल्समैन है गौतम सिंह को, उनको वैसे भी 6 महीने हो गए ट्रेनिंग करते हुए, सदस्यों को यह भरोसा दिलाया कि आगामी खरीफ सीजन के अंदर इस संस्था के अंदर खाद बीज और दवाइयों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। सदस्यगण जितने भी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी। दूसरा मुद्दा समिति का खुद का भवन का, जिसके लिए हमने सरकार से हमारे को जमीन आवंटित हो गई है। माननीय मंडी सेक्रेटरी हमारे लिए उन्होंने आवेदन भी तैयार करवा दिया है, तो जल्द ही कुचामन को एक नई KVSS का भवन की सौगात मिलने वाली है। माननीय विधायक महोदय और उप सचेतक महोदय के प्रयासों से हमें ये जमीन प्राप्त हुई है, उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त किया, और जल्द ही हम इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर देंगे। और जो मुद्दा है, एक डंप माल के निस्तारण का मुद्दा आया, तो उसको भी हम एक कमेटी के माध्यम से डंप माल का निस्तारण करवाएंगे नीलामी के द्वारा। साथ ही माननीय सदस्यगणों ने सदस्यता पहचान कार्ड बनाने, समिति के नए सदस्यों का भी प्रस्ताव रखा, उस पर भी हमने समिति के सदस्यों को डाक द्वारा सूचित करने का फैसला किया कि जिनकी हिस्सा राशि कम है उनकी हिस्सा राशि पूर्ण की जाए, और नए सदस्यों के आवेदन भी हमने दिए हैं, तो नए सदस्य भी बनाए जाएंगे। और इसके अलावा माननीय सदस्यों ने बाजरे की खरीद के लिए भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो मुद्दा हमारी आम सभा का नहीं था, फिर भी खरीद का मुद्दा आया है कि जो मूंग खरीद है जो समर्थन मूल्य पर होने वाली है उसको सुचारू किया जाए, तो इस बार हमारी ये प्रयास रहेगा कि किसानों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो, तो ऐसा हमारा प्रयास है।